आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ एक ऐसे मौजों को लेकर, एक ऐसे मोटो को लेकर, एक ऐसे उद्देश्य को लेकर, एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो आज पूरे देश के अंदर ज्वलंत बना हुआ है, नारी सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, जो बराबर बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी वैश्याना घटनाएं होती हैं, ऐसे दिरंगे जो हैं महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, हमारी सरकार क्यों विफल हो रही है, ऐसी क्यों ऐसे समाज के अंदर विकृति आ गई है। तो मेरे साथ दो ऐसी शिक्षाविद बैठी हैं, इन्हीं से जानते हैं। मैं छोटा सा परिचय करा दूं, आप हैं डॉक्टर तमन्ना, आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य हैं। आप हैं कोमल शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल खांसी की प्राचार्य हैं। दोनों से ही जानते हैं कि आप महिला हैं, एक शिक्षाविद भी हैं। ऐसा क्या समाज के अंदर विकार हुआ, ऐसी क्या विकृति आई, निर्भया कांड के बाद भी सरकार नहीं जागी, क्या उन्होंने सबक नहीं लिया? उसकी पुनरावृत्ति अब हैदराबाद में दिशा कांड से हो गई। तो पहले मैं डॉक्टर तमन्ना आपसे जानना चाहूँगा कि ये एस्ट्रोसिटीज जो महिलाओं पे हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे घिनौने कांड हो रहे हैं, ऐसे दिल मैं कहूँ कि कुकृत्य हो रहे हैं, इस पर कैसे रोक लगे? देखिए, इसके लिए तो हमारी सरकार को एक बहुत ही सॉलिड स्टेप उठाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बेटियां घर से बाहर चल रही हैं, फिर भी वो सेफ नहीं है। एक माइंड में टेंशन है कि आज बच्चा पढ़ने के लिए बाहर निकला है, लेकिन ना जाने क्या एक मतलब किस टेंशन से पेरेंट्स घर पर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी क्या रास्ते में सेफ है। इस टेंशन के साथ वो बच्चों को भेजना, तब एक मन में अजीब सी कश्मकश है कि आज मैं एक ड्रीम देख रही हूँ कि कल को मेरी बेटी डॉक्टर बने जी, छोटी सी है, सपना मेरा बहुत बड़ा है, फिर मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये एनवायरनमेंट उसके लिए सब ठीक है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ही सॉलिड स्टेप उठाए। ऐसे दरिंदे जो लड़कियों के बारे में इस तरह की सोच भी रखते हैं, उनके लिए एक सॉलिड स्टेप उठा दिया जाए, और जो ये स्टेप उठाए, इस तरह का गलत कदम जो उठा रहे हैं, उनको साथ ही फांसी की सजा दे दी जाए। जब ये निर्भया कांड हुआ, कानून तो ये तभी लग बन जाना चाहिए। जी जी, आज ये एक फिर ये कांड फिर से होता ही ना, जो बेटी प्रियंका रेड्डी जी के साथ हुआ है वो कांड कभी होता ना। एक माँ बाप ने, एक पेरेंट्स ने इतनी सोच कर, इतने प्यार से उसको पढ़ाया लिखाया, आज एक डॉक्टर की पहुँच दिलवाई, एक डॉक्टर पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनी, लेकिन आज उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा था मेरे साथ ये हो सकता। महज जब ये कांड होता है, ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसा विभत्स कांड होता है जिसे हम कहेंगे घिनौना, जघन्य महिलाओं पे अत्याचार, ऐसे मदर मेरी तो रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। इस तरह से हम जब सुनते हैं बातें, महिलाएं सड़कों पे भी आती हैं, कैंडल मार्च भी करती हैं, जंतर मंतर दिल्ली पे धरने प्रदर्शन भी होते हैं, बावजूद उसकी सरकार नहीं चेतती, तो अब क्या स्टेप लें कि भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी जाए? यस, बिल्कुल बना दिया जाए, एट ए टाइम वो रूल होना चाहिए। कोमल मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप एक महिला, आप डेली हिसार से अपडाउन भी करती हैं, आपको तरह तरह की यानी कि क्रॉसिंग भी क्रॉस करनी पड़ती है, इस तरह की घटनाओं से आपका दिल दहलता है? सर, क्यों नहीं दहलता, आखिर मैं भी एक स्त्री हूँ और उन्हीं सड़कों पर चलती हूँ जहाँ इस तरह के अपराध किए जाते हैं। हम महिलाओं की ज़िंदगी तो अपने की अपनी सुरक्षा करने में उसकी सोच कब मेरे साथ कहाँ कुछ कैसा हो जाए, हमारी ज़िंदगी तो इसी में बीत गई है सर। सरकार को कदम उठाने चाहिए और सरकारें आती जाती रहती हैं, कांग्रेस सरकार में भी ऐसा होता है, बीजेपी सरकार में भी होता है, कल को कोई तीसरी सरकार आएगी उसमें भी ऐसा होगा। एक केस हो गया, देश सड़कों पर आ गया, बहुत गुस्सा है, पार्लियामेंट में भी बहुत गुस्सा है, वहाँ की महिलाएं भी गुस्से में कुछ कुछ बोल रही हैं, जो मुझे भी लगता है कि होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और फांसी ही क्यों, मैं तो कहती हूँ कि सज़ा ऐसी हो जो दूसरों के लिए एक सिंबल बन जाए, दूसरा अपराध करने से पहले एक बार सोचे कि उसको सज़ा मिली थी, मुझे भी मिल सकती है और मैं ऐसा अपराध ना करूँ। मुझे बहुत गुस्सा है सर, मेरी भी बेटी है, मैं एक स्कूल की संचालिका हूँ,
मेरे तो हजारों बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और कोई सुरक्षित नहीं है। हमने अपने स्कूल में गुड टच बैड टच का सेशन लिया था लास्ट ईयर। इस साल भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये अपराध होने से पहले एक माहौल बनता है और बच्चा उस माहौल को ही भांप जाए। और अभी मैं एक अभियान चलाऊंगी अपने स्कूल में, वर्कशॉप करूंगी बच्चों। मैडम मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है? सर अभी मैं सभी मुद्दों पर आऊंगी। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी मेरी सुरक्षा मेरा दायित्व मेरी जिम्मेदारी। हम अपने बच्चों को और बड़े भी थोड़े से इतने अवेयर हो जाएं कि हम उस सिचुएशन में पड़ने से पहले उसको भांप लें और जरूरी कदम उठा सकें। जैसे आजकल ट्रेंड में है निर्भया बटन, एक पैनिक बटन भी चला है। तो टेक्नोलॉजी का दोनों ही रूप है सर, हमें ये हेल्पफुल भी होती है और जितना एक्सपोजर भारत जैसे देश में लोगों को है, आप कुछ भी गूगल पर टाइप करिए उसी तरह की सामग्री आ जाती है, उससे हमारे जो यंग जनरेशन है वो मिसगाइड हो जाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर हम कारण जानना चाहें, संस्कार होते हैं, पारिवारिक माहौल होता है, शिक्षा में कमी होती है। हमने स्कूली सिस्टम शुरू किया है, हमारी एजुकेशन वर्ल्ड वाइड है, भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी आज इस माध्यम से कि हम इसका बैठकर अपनी शिक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करें और देखें कि हम बच्चों में उस तरह के संस्कार बचपन से ही डालें कि जब वो मैच्योर होकर एक समाज का हिस्सा बने तो इस तरह के विचार उनके अंदर आएंगे। मैच्योर होता है, एडोलेसेंट बच्चा होता है, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन थमा दिया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, जब रोने लगता है तो माँ उसको फोन देती है। तो यही मैं कह रही हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार का भी उतना ही बड़ा रोल है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दायित्व बनता है वो बनता है हमारी सरकार का। सरकार ऐसे नियम बनाए कि इस एज तक ऐसा मटेरियल आए ही ना। ये सरकार को एक बहुत बड़ा आपसे जानना चाहूंगा, गूगल मस्ट बी बैन या फेसबुक मस्ट बी बैन? एडोलेसेंट के हाथ में फोन आना और जो इस तरह के सामग्री आना परोस देता है, वो तो बटन दबाया जल्दी आ जाएगा, पोर्न पिक्चर्स आ जाते हैं, फिल्म्स आ जाती हैं उसमें, और जिससे कि इंस्टिंक्ट यानी कि बदलने लगती है बच्चे की। तो ऐसे में तो वो अपराध की तरफ। देखिए इतने बड़े लेवल पर करने से पहले तो हमें छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। मेरी जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि हमें पहले अपने फैमिली से स्टार्ट करें। पहले अगर हर पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों पर एक नज़र ही रख ली कि हमारा बच्चा, अगर हमने उन्हें फ़ोन दिया है किस फैसिलिटी के लिए दिया है, क्या स्टडी के लिए दिया है, बच्चा उसका क्या यूज़ कर रहा है, उस निगरानी में अगर स्टेप उठा दिया जाए, ध्यान दे दिया जाए, तो हमें एक बड़े लेवल तक पहुँचने में आसानी हो सकती है। ये स्टेप हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले एज ए पेरेंट्स हमें अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। आप स्कूल में फ़ोन अलाउ करते हैं? नहीं सर, स्कूल में फोन अलाउ नहीं है। स्टाफ अगर हमारा फोन लेके आता है, सुबह उनसे फोन ले लिया जाता है और छुट्टी के टाइम पर उनको फोन वापस दिया जाता है ताकि व्हाट्सएप ग्रुप पर वो होमवर्क सेंड कर सके। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बट इन अ पॉजिटिव वे। यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ पॉजिटिव वे, बट देयर इज अ मेनी वे ऑफ द डिस्ट्रिक्टिव आल्सो इन दिस। सर सुपरविजन, सुपरविजन इज मस्ट, पेरेंट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड हियर। व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर द फोन एंटायरली विद नेट यानी सर, तभी मैं कह रही हूँ कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का बचपन भ्रष्ट ना हो। इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू द योर व्हाट्सएप टू द स्कूल सिलेबस और इट विल ओपन एक्सप्लोर द ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच यू वांट। सर देखिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि सरकार को एक निश्चित तौर पर ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिनसे इन सब चीज़ों पर रोक लग सके। पेरेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें जैपनीज बच्चों का देख रही थी कि वो इतने शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार प्रमोट करती है कि आप जंक फूड ना खाएं, आप स्वच्छता को महत्व दें। तो अगर सरकार बड़े स्तर पर इन चीज़ों को उठाएगी, उस तरह की पॉलिसी बनाएगी और उन पर अमल होगा तो क्यों नहीं देश सुधरेगा। सर जापान सुधर सकता है, उनका छोटे छोटे बच्चे टेक्नीशियंस हैं, हमसे कितने आगे। तो क्या भारत में प्रतिभा की कमी है? नहीं, कमी है तो केवल नियमों की और उनकी पालना।
यानी उनको एनफोर्स नहीं किया जाता है और कंप्लायंस नहीं होता, विल पावर नहीं होती कि एक इच्छा शक्ति नहीं है सर। ऐसे क्रूरिटी से जो हमारे जघन्य अपराध करते हैं, घृणा अपराध करते हैं ये दरिंदे, इनको क्या पब्लिक डोमेन में आके मार देना चाहिए? इनको पब्लिक डोमेन में ला के इनके सबक सिखाना चाहिए सर? जो आप बताइए, वो तो न्याय संगत ही होना चाहिए जो भी उनके साथ हुआ है। फांसी, अगर वो फांसी के वाकई में तो मानती हूँ कि अधिकारी हैं, और रिवार्ड और पनिशमेंट सर एज अ शिक्षाविद में आपको चार साल हो गए रिवार्ड दिए, मैं बता रही हूँ आपको कि वो ये हमारी प्रणाली की खामियां हैं कि हम निर्भया के दोषियों को आज भी तरस रहे हैं कि उनको सजा मिले। निर्भया की आत्मा रो रही होगी सर, और इतनी सारी निर्भयाएं हैं, पता नहीं कब कौन निर्भया बन जाए, कब कौन डॉक्टर बन जाए। किसी के साथ नहीं, सभी असुरक्षित हैं। तो अपने कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और पंक्चुअल होना पड़ेगा। रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑन द स्पॉट होना चाहिए, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दोषी हैं, पकड़े गए, सारी बात हो गई, फिर भी अभी उनके लिए दया याचिका है, सुनवाइयाँ हैं, और उसमें इतना वक्त बीत जाता है कि पीड़ित तो परेशान हो जाते हैं। क्या हम बच्चों को भी कुछ कंस्ट्रेंट कर सकते हैं क्या किसी हद तक? सब देखो, देर इज ए फीमेल एंड मेल, सृष्टि ने दो ही तो बना। फीमेल को हम वीकर सेक्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल वीकर सेक्स, इट इज ए डिक्शनरी वर्ड, इट्स नॉट मेंट बाय मी। Why we say that she is a weaker sex? Because sir, man-dominated society is there. That's why we are saying like that. It is just reflection of this. नहीं, it's weaker sex नहीं बोलते हम लोग। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि man-dominated society है। अगर otherwise ये word हमारे dictionary में होता ही ना। We both are equal. Both are. हम equal हैं। Biologically, genetically both are we are equal. Equal हैं sir, एक दूसरे के पूरक हैं। संसार नहीं चलेगा। लेकिन ये जो टर्म निकल के आई है, इसलिए निकल के आई है कि मेल ने फीमेल को हमेशा एक वीक, अपनी अनुगामिनी बना के सोचा है, तो इस वजह से ये टर्म निकल के आई है। अदरवाइज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, परिवार नहीं बन सकता। तो मैं नहीं मानती कि कोई किसी से बड़ा है या छोटा है, सभी बराबर हैं। लेकिन असुरक्षा है, क्यों है? विचारों में परिपक्वता नहीं है, वो होनी चाहिए, और वो तब हो सकती है जब हम बचपन से उस चीज़ को डालें, जब हम शिक्षा में उसको शामिल करें, क्लास वन से, नर्सरी से और यूनिवर्सिटी लेवल तक, ये एक चैप्टर होना चाहिए। मैं बिल्कुल लास्ट बात कर रहा हूँ, कंक्रीट बात कर रहा हूँ, कानून कैसा करा? अगर लाइफ सेंटेंस दे दी गई है, फास्ट ट्रैक को दे दिया, उसको अवार्ड कर दिया गया है, तो उसको यानी तुरंत प्रभाव से डर भी है। मैं चाहती हूँ कि सजा इतनी कड़ी हो कि वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाए, पब्लिक लिंचिंग, फांसी। पब्लिक में आया, 10 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा, फांसी दी, लटकाया और ख़त्म। मैं चाहती हूँ कि वो सिंबल बन जाए, उसके हाथ पैर काट कर उसको छोड़ दिया जाए, वो जीवन भर दूसरों की दया पर आश्रित हो, और दूसरे भी सोचें कि भाई ये इस वजह से आज इस दुख को उठा रहा है क्योंकि इसने अपराध किया था। सर मुझे बहुत आक्रोश है, और मैं सारी चीज़ें तो नहीं चाहती कि कैमरे के सामने बोल दूँ, लेकिन गुस्सा इतना है कि वाकई कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैं हिस्ट्री से हूँ, आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करती हूँ। प्रकृति को हम माँ बोलते हैं, प्रकृति के बिना जीवन नटसल में बोल रही हूँ सर। मौर्यन साम्राज्य के राजा थे सम्राट अशोक, उन्होंने प्रकृति संरक्षण किया। जब कलिंग विजय के बाद उनका मन बदला, तो उन्होंने पेड़ को काटने की सजा और बच्चे की हत्या करने की सजा बराबर थी। कोई पेड़ काटता हुआ इतना डरता था कि मुझे सजा मिल जाएगी, तो सजाएं इतनी कड़ी हों, उदाहरणीय हों, कि कोई भी अपराधी बनने की हिम्मत ना कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नहीं, हम आपकी वाणी को विराम नहीं देंगे। मैं दोस्तों, मेरे साथ दो ऐसी
शिक्षा भी, जिन्हें मैं कहूँगी जिन्होंने शिक्षा को जिया है, दोनों ही डीएवी इंस्टीट्यूशन की, एक आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल, एक डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल, बहुत यानी कि मैं कहूँ कि इनका बोलने का स्टाइल भी और एलोग्रेट करने का तरीका और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका इनके दोनों महिलाओं के अंदर, दोनों एक शिक्षाविद के अंदर बहुत आक्रोश है, गुस्सा है और एक ऐसी ज्वाला है कि अभी फाड़ के उनको काट दिया जाए, ऐसे वैश्य गरिल्लों को। कौन सो सकता है शहर में गाफिल के सिवा, कौन सो सकता है देश में गाफिल के सिवा, नहीं है सलामत पर कोई कातिल के सिवा। ये उर्दू का शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरे में भी आक्रोश है, मेरे भी दो बेटियाँ हैं, इसलिए कि ऐसी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इट शुड बी स्टॉप्ड। और जैसे कि पार्लियामेंटेरियन महिलाएं बोली कि एक ऐसा कानून तो बन गया है लेकिन इन्फोर्स नहीं हुआ है, इनका भी, इन दोनों महिलाओं का, दोनों शिक्षाविदों का, दोनों प्रिंसिपल्स का, प्राचार्य महोदया का यही दर्द है। ये बोल रही थी कौन प्रिंसिपल कि मैं काट दूँ, तो क्यों ऐसा दर्द जब हमारी बच्चियाँ, हमारी, क्या हम डॉक्टर बनाना बंद कर दें, क्या हम बेटी पैदा करना बंद कर दें, क्या फीमेल फुटेसाइट फिर से दोबारा हो, ये NTPS एक्ट को ख़त्म कर दें कि बड़ी होकर क्यों मरे वो, क्यों ना गर्भ में ही मर जाए। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो महिलाओं का रोष बरबस देखते ही बनता है, उनके अंदर आक्रोश आता है, क्यों ना आए आक्रोश जब अपने ही कोख से पैदा की हुई बेटी को इस कदर दरिंदगी से मरता हुआ देखती है। तो खासकर पुरुषों में भी आना चाहिए और ये एक पूरे देशव्यापी मुहिम चलनी चाहिए, एक ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए। क्यों मैं मेरी बात से सहमत है या नहीं, कंसेप्ट दे रही है नहीं दोनों, कि ये कड़ा कानून बनना चाहिए, जो सेंटेंस लाइफ सेंटेंस अवार्ड कर दिया गया डॉक्टर तमन्ना, उसको इन्फोर्स करके तभी पब्लिक डोमेन में, डॉक्टर तमन्ना तो कह रहे थे विदाउट एनी लिंगरिंग ऑन डेट, उसे पब्लिक डोमेन में ला के कैसे नेशंस उसकी कर दी जाए, उसके मार दिया जाए ताकि देखने वाले की भी रूह कांपे और कोई दुस्साहस दोबारा ना कर सके। मैं पुनः ऐसी दोनों शिक्षाविदों को हंसी की आवाज़ चैनल के नाम बधाई देता हूँ कि आप बने रहिए हमारे चैनल पे, ज़्यादा कदा जब भी मैं आऊँ तो किसी भी डिबेट के लिए आऊँ तो आप नाराज मत कीजिएगा, बने रहिएगा और आपकी एक एक वाणी का शब्द निकला हुआ समाज में एक नजीर बनता है। शिक्षाविद जो कहता है, एक महिला जो कहती है, महिला दिल से बोलती है, पुरुष तो इधर उधर घूमता रहता, महिला जब दिल से बोलती है और एक शिक्षाविद के वाणी से निकला हुआ एक शब्द क्यों वो दूसरे को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे जाता है, दूसरे के लिए उदाहरण बनता है। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें बहुत समय दिया और इस टॉपिक पे जो ज्वलंत मुद्दा है, आज का बर्निंग टॉपिक है, इस पे अपने व्यूज रखिए। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि हंसी की आवाज़ को आपने बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया और आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है। इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों को हम उठाने का दायित्व अपने कंधों पर लिए हुए हैं। जब भी कभी ऐसी कोई समस्या आए, ऐसी कोई घटना घटे तो हमारा ये चैनल हमेशा अग्रणीय रहता है। और मैं पुनः आप दोनों प्रिंसिपल महोदया का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यू हैव गिवन योर ऑस्पिशियस टाइम टू मी ऑन माय चैनल एंड एलिब्रेट योर व्यूज, बर्निंग व्यूज ऑन दिस चैनल। अगेन गिव माय कॉम्प्लीमेंट टू यू, थैंक यू मैम। लेकिन दर्शकों आपसे एक वादा चाहता हूँ कि हंसी की आवाज़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर ये प्रोग्राम आपके लिए कंस्ट्रक्टिव। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, चले।